तो जैसा कि आज का टॉपिक, कोई बता सकता है आज का क्या टॉपिक है? हाँ, एनीवन? इम्पोर्टेंस ऑफ सीएमडी। जी, बिल्कुल, सीएमडी के ऊपर है आज का टॉपिक। तो हम, जैसा कि हम सब सेशन की स्टार्टिंग एक किसी भी यूज द प्रोडक्ट के साथ करते हैं, तो क्योंकि आज सीएमडी का सेशन है, तो कोशिश कीजिए सब अपने वीडियो ओपन करके सीएमडी के साथ अपनी स्टार्टिंग कीजिए। ना मेरा सीएमडी, यस सीएमडी बिल्कुल आज सब सीएमडी पे इंडियस हुंडी प्रोडक्ट है, लगाओ, बहुत ही हुंडी लगाओ। अमेजिंग रिजल्ट्स हैं इसके। सबके अलग अलग होते हैं, ठीक है जैसे ठीक कि है ठीक है बॉडी अलग अलग होती है, उसी तरीके से हर प्रोडक्ट का रिजल्ट भी सबको अलग अलग ही मिलता है। तो इसीलिए इस प्रोडक्ट का रिजल्ट भी सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो सब अपने एक्सपीरियंसेस भी एंड में शेयर करेंगे सीएमडी से रिलेटेड। और अब मैं आज के होस्ट को, मंजूषा जी को, मैं इनवाइट करना चाहती हूँ। मैं दीपिका सप्रा, ब्रांच डायरेक्टर, और आज गौरव सर थोड़ा सा अनअवेलेबल है, इसीलिए आज मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया उन्होंने। तो मैं सबको कहना चाहूंगी कि जोरदार तालियों के साथ मंजूषा जी का वेलकम करें। वेलकम मंजूषा जी। वेलकम मंजूषा। एक्चुअली मंजूषा इज ट्रेवलिंग, ओके okay. वो गाड़ी में है और अभी थी अवेलेबल, मे बी कहीं पे कुछ नेटवर्क इशू नहीं, हुआ है। अवेलेबल तो हैं, बस उनकी वीडियो एंड माइक ऑफ है। हाँ जी, आ गए यस मंजूषा वेलकम। मंजूषा जी, आप स्टार्ट कर सकते हैं। माइक अनम्यूट कर लीजिए आप माइक। मैंने सीएमडी ले लिया। वेलकम मंजूषा जी। जी मंजुषा माइक आप अपना म्यूट कर लो। हाँ राइट। मैम, स्टार्ट कीजिए। मंजूषा जी, स्टार्ट कर लीजिए आप। माइक ऑफ हो गया मैम, ऑन कर लीजिए। ऑफ हो गया। जी मंजुषा होस्टिंग के लिए आप रेडी हो जाओ, अब आपका टर्न है बोलने का। जी स्टार्ट आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज क्यों नहीं आ रही है बोलो। नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है, या तो ईयरफोन्स निकाल दो। या तो एक बार आप रीज्वाइन कर लीजिए। मैम कुछ बोलेगी तो आवाज आएगी, मैम कुछ बोल नहीं रहे ना इसलिए आवाज नहीं आ रही। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू लता मैम, नीतू गुड मैम, गोयल मॉर्निंग। सर एंड अल्फा ऑल मेंबर्स। मेरा नाम मंजूषा अग्रवाल है, मैं विवेक कॉलेज में जॉब करती हूँ। आ रही है आवाज? नहीं आ रही? यस यस ठीक है, आ रही बढ़िया है? आ रही है। अभी मैं ऑन द वे हूँ इसलिए थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है। ओके कोई बात। हाँ मैंने वेस्टीज के वैसे सारे प्रोडक्ट्स यूज किए हैं, काफी अच्छे हैं वेस्टीज के सारे ही प्रोडक्ट्स। मैंने नोनी कैप्सूल्स यूज किए हैं, कैल्शियम का यूज किया है, अल्ट्रामेटिक सर्फ यूज किया है, और जो गमीज यूज किए हैं बच्चों के लिए, जो गमीज है वो उनका टेस्ट बहुत अच्छा है, मुझे भी अच्छा लगता है, मैं भी खाती हूँ। और जो है ये सीएमडी जिसके बारे में आज हम आप सभी को बताने वाले हैं, सीएमडी भी यूज कर रही हूँ। वो सीएमडी ये है, सीएमडी जो है वो
वो हमें पानी में डाल करके और उसको लेना होता है कांच के ग्लास में। और यदि मान लीजिए, अब ऐसा तो है नहीं हम लोग मान लीजिए हर कहीं जाते हैं, जरूरी नहीं है हमें हर कहीं आरओ अवेलेबल हो, तो हम इसको अपने साथ लेके जा सकते हैं, जहाँ हम पानी में डाल करके इसको पी सकते हैं। तो जो हमें पानी से इन्फेक्शन होता है या प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ये पीने से हमें पानी से ना तो इन्फेक्शन होगा और ना ही कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। हमारे शरीर में जो मिनरल्स की कमी होती है उसको भी पूरा करती है ये। और जो है, अब आगे मैं आपको CMD के बारे में हमारी जो स्वीट सी प्यारी सी नीतू मैम है वो बताएंगी आपको CMD के बारे में डिटेल से। मैं उनको बुलाना चाहूंगी अब। नीतू मैम मोस्ट वेलकम। ओके, थैंक यू, वेरी गुड। और बहुत बहुत अच्छा, स्वीट, शॉर्ट, सिंपल सा बोला, और काम इतना ही पॉसिबल है, बट एक अच्छा, तुमने अच्छा स्टार्ट किया, वेल डन। और रेगुलर थैंक आओगे तो और अच्छा बोल पाओगे, और इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, यू। बिल्कुल बिल्कुल इस बार होस्टिंग पे छोड़ रही हूँ, नेक्स्ट टाइम सेशन देना होगा। ओके, जी बिल्कुल। गुड चलिए ठीक है, मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो गुड मॉर्निंग लता मैम, दीपिका, मॉर्निंग। भाविका, सुमन जी, मॉर्निंग भरत हैं, मंजुषा एंड एवरीवन जो भी यहाँ पर प्रेजेंट हैं, सभी को बहुत प्यार भरा नमस्कार। और आज बहुत सारे ऐसा लगता है ना, क्योंकि अब सैटरडे, संडे, मंडे, 3 दिन की छुट्टी हो जाती है, फिर हम ट्यूसडे को मिलते हैं, है ना, लंबा वीकेंड मिलता है हम सबको, पूरा जी मौज मस्ती के बाद हम लोग आज मिलते हैं। तो एक स्टडी होनी, क्लास होनी जरूरी है, राइट, है ना। 3 दिन हम सब यस अपनी मस्ती भी करते हैं, काम भी करते हैं, उसके बाद जो है पढ़ाई के लिए थोड़ा सा हमें प्रिपेयर होना होता है। तो मैं बोलूंगी कि यस, नीतू सेंगा, डायमंड डायरेक्टर गाजियाबाद से, आज एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट, उसकी अमेजिंग फैक्ट्स और उसकी अमेजिंग रिजल्ट्स, मतलब बहुत कुछ है। CMD एक ऐसा टॉपिक है जिसको पौन घंटे में कवर नहीं कर सकते। अगर हम इसको ढंग से समझें तो हम इसको पौन घंटे में कवर नहीं कर सकते। इसके लिए कम से कम मिनिमम 3 सेशन होने चाहिए। तो आज मेरी कोशिश ये रहेगी कि बहुत ज्यादा खिचड़ी ना बनाकर बहुत सिंपल स्टेप्स में उसको समझाऊं, और अगर कुछ रह जाता है तो फिर हम उसको नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे, सो दैट CMD के बारे में हमें एक एक पॉइंट सबको क्लियर हो जाए। तो एग्री एवरीवन? एग्री लता मैम? ओके, थैंक यू। तो मैं बताना चाहूंगी, जैसे कि अभी आपने देखा था ग्रुप में भी, हम लोग संडे को CMD का सेशन लेने गए थे, और मैं बोलूंगी ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, डायरेक्ट कन्वर सर को लाइव सुनना, उनसे CMD के बारे में सुनना, बहुत अजब गजब टेस्टिमोनियल्स को सुनना, उस माहौल में बैठना। तो जिनकी भी ये अपॉर्चुनिटी मिस हुई है, उनका काफी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस हुई है, क्योंकि आप सोचो ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मैनेजमेंट को मिलने हेड ऑफिस जाना पड़ता है ओखला, मैनेजमेंट खुद चलकर वसुंधरा ब्रांच तक आई, पूरा हॉल फुल था, लोग खड़े होकर सुन रहे थे, तो ये अपॉर्चुनिटी तो मिस करने वाली थी ही नहीं। बट एनीवेज, जैसे कि सर कहते हैं कि अगर आपके लोग, आपकी टीम अगर ट्रेनिंग तक ना जा पाए, तो आप जरूर जाओ और सीख कर उस ट्रेनिंग को उन लोगों तक ले आओ। तो यही होता है टीम वर्क। तो इसी सोच के साथ जो हमने सीखा उस दिन, जो मैंने सीखा, वो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। ओके, तो रेडी एवरीवन सीखने के लिए? ठीक है, तो CMD के लिए हम स्टार्ट करते हैं। और देखो, सोनी वर्मा जी भी दिख रही है वीडियो ऑन करके, क्या बात है, क्लैपिंग बनती है, न्यू पर्सन है, न्यू पार्टिसिपेंट है, और बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो चलिए CMD, तो अब मैं थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन भी करूंगी और बताऊंगी भी, सब लोगों को अटेंटिव रहना है, और डायरी पेन जरूर रखें अपने साथ, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बहुत पसंद आएंगे, आप नोट कर लीजिएगा। हम भी नोट ही कर रहे थे वहां पर, क्लिक्स बहुत कम किए हमने, राइट। और मंजूषा, कार में आप भी पूरी कोशिश करिए ध्यान से सुनने की, सो दैट ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर सके, और लिंक भी शेयर कर दीजिए अपनी टीम के साथ, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम CMD की बात को पहुंचा सके। तो सबसे पहले चैट में बता सकते हैं किस किस को CMD का फुल फॉर्म मालूम है? कौन बताएगा मेरे को CMD का फुल फॉर्म? चैट में बताना है। एक्टिव पार्टिसिपेंट्स चैट में बताएं कि क्या फुल फॉर्म होता है CMD का। अरे वाह, 2 करेक्ट आंसर मिल गए हैं मुझे। यस, इट इज कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल्स ड्रॉप, ठीक है। और
एक और नया नाम हमें पता चला सीएमडी का, जो मैं आपको शेयर करना चाहूंगी, जो हमारे ट्रेनर गौतम जी आए हुए थे वहां पर, उन्होंने बोला चेक मंथली डबल। तो ये कितना अमेजिंग है, चेक मंथली डबल। अब चेक मंथली डबल इससे कैसे होगा, जब हम इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन अच्छे से घोल के पी जाएंगे, जैसे सीएमडी को पानी में घोल के पीते हैं और फिर उसको उतना ही प्रमोट करेंगे। तो सीएमडी इज इक्वल टू चेक मंथली डबल, और जरूर लोगों के हो रहे हैं कहीं ना कहीं इस प्रोडक्ट से, ये लोगों का स्टार प्रोडक्ट बन चुका है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट डिस्कशन और इंट्रोडक्शन में आपको सीएमडी का देती हूँ। नाम कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप्स। अब इसको हमें पता होना चाहिए कि ये ओरिजिन हमारा कहाँ से हुआ है। तो जैसे कि सबको पता है ऊता ग्रेट सॉल्ट लेक, मतलब उसका नाम है ग्रेट लेक ऑफ सॉल्ट, और बहुत बड़ी लेक है वो, और उसको शायद इसीलिए ग्रेट लेक ऑफ सॉल्ट कहा जाता है क्योंकि उसका पैरामीटर इतना बड़ा है कि उसमें तीन नदियां शायद आकर मिलती है, तो बिल्कुल हाफ समुद्र के बराबर आप उसको समझ सकते हो, हाफ समुद्र के बराबर उसको समझ सकते हो, और इतना पानी उसमें इकट्ठा होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है, और वो रेगुलर इवोपरेट होता रहता है, इवोपरेट होता रहता है। तो सबको पता होगा कि जब पानी बहुत इवोपरेट हो जाता है तो वो सॉल्ट के फॉर्म में वहां पे जमा भी हो जाता है कई बारी। ठीक है, तो ये हमारा ऊता से आता है, और ऊता लेक कहाँ पर है, हमारी यूएसए में। ये भी सबको पता होना चाहिए, रटा होना चाहिए कि ऊता लेक हमारी यूएसए में है। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर है, ये बेस है बिल्कुल, ऊता लेक फ्रॉम यूएसए। ठीक है, अच्छा अब इसके इन्वेंटर कौन है, इसको बनाया किसने है, ये इंडिया में नहीं बना, ये बाहर बना है, यूएसए में बना है, और उसको बनाया है एंडरसन फैमिली ने। एंडरसन फैमिली, ये भी एक पेट नेम है, जैसे हम सब लोगों के होते हैं गोयल्स, गर्ग्स, चौहान्स, राजपूत, सब होता है ना, वर्मास, बहुत कुछ होता है। तो ऐसे ही वहां पर एक एंडरसन फैमिली है जिसकी फर्स्ट जनरेशन ने आज से 50 साल पहले शुरू किया था, और अब उनकी थर्ड जनरेशन उसको कंटिन्यू कर रही है। हम लोगों ने वहां पर उनका बकायदा वीडियो भी देखा था, जिनमें से एक लेडी का नाम था मैंडी एंडरसन। उन्होंने पूरे बहुत प्राउड से हमको वहां पर बताया कि वो थर्ड जनरेशन है एंडरसन फैमिली की, और उन्हें बहुत ज्यादा खुशी है वेस्टीज के साथ एसोसिएटेड होने में। और पता है, जब आप वीडियो में देखते हो किसी फॉरेन कंट्री के किसी साइंटिस्ट बेस्ड फैमिली को, और वो हमारी वेस्टीज कंपनी का नाम लेता है, तो हमारा फेथ और हमारा प्राउड बढ़ जाता है। तो इसीलिए उस ट्रेनिंग में जाना जरूरी होता है। हम आपको यहाँ पर कितना भी बताएंगे, मगर उस माहौल में बैठ के जब आप देखते हो सामने प्रोजेक्टर पे कि एंडरसन फैमिली खुद वेस्टीज के बारे में बात कर रही है, तो कितनी अच्छी फीलिंग आती है, बहुत ही बढ़िया लगता है। तो हमने मैंडी एंडरसन को वहां पर प्रोजेक्टर पर सुना कि उन्होंने बताया कि वो थर्ड जनरेशन है और वो सीएमडी के ऊपर काम कर रहे हैं, और वेस्टीज के साथ वो एसोसिएट होके बहुत हैप्पी हैं, राइट। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि यूएसए से हमारा सीएमडी आता है, वहां पर ऊता लेक है उससे आता है, और उसको एंडरसन फैमिली बनाती है। ठीक है, अब लेकिन अब देखो, सब लोग अपनी अपनी बॉटल देखो जिनके पास है, सीएमडी की बॉटल उठा लो, और आप मेरे को बताओ कि इस पर आपको राइट साइड में क्या लिखा हुआ दिख रहा है। राइट साइड में बताएं मुझे क्या लिखा दिख रहा है। MBI और कोई बताइए भाविका। यस, MRI यस, Health. MRI। तो ये पर ये प्रोडक्ट तो हमारा वेस्टीज का है, तो इस पर एमआरआई क्यों लिखा है, कभी किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि प्रोडक्ट हमारा वेस्टीज का है, वेस्टीज भी है हमारा राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में अगर मैंने ऐसे पकड़ा है तो एमआरआई है। तो वो मैं आपको बताती हूँ, एमआरआई का फुल फॉर्म है मिनरल रिसोर्स ठीक इंटरनेशनल, यानी कि ये है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने, जो कहना चाहिए कि इनिशियली सीएमडी को सेल करना स्टार्ट करा था, यानी कि सीएमडी को इंडिया में इंपोर्ट करना स्टार्ट करा था एमआरआई। इन्होंने डायरेक्ट एंडरसन, जो कि इसके पेटेंट हैं, जो ओरिजिनल सीएमडी बनाते हैं, उनसे कांटेक्ट करके मिनरल रिसोर्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने उनसे कांटेक्ट किया था और इंडिया में सेल किया था, और अब इसी एमआरआई का वेस्टीज के साथ टाई अप हुआ है, इसीलिए एमआरआई और वेस्टीज दोनों हमारी बॉटल पर लिखे हैं, राइट। ये क्लैरिटी हो गई सबको, यानी कि ये वेस्टीज का अपना मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट नहीं है, ये एक इंपोर्टेड प्रोडक्ट है जो कि डायरेक्ट यूएसए से इंपोर्ट होता है थ्रू एमआरआई। ओके,
क्योंकि कोई भी अगर आपका प्रोस्पेक्ट देखकर पूछे कि व्हाट इज एमआरआई, तो आपको पता होना चाहिए। कभी फिर आप सोचो कि एमआरआई क्या होता है, हेलो अपलाइन, तो एमआरआई का फुल फॉर्म लिख लीजिए, मिनरल रिसोर्स इंटरनेशनल, राइट। तो ये इम्पोर्टेड है और प्लस ये पेटेंट है, यानी कि एमआरआई के थ्रू ये सीएमडी सिर्फ वेस्टीज डिस्ट्रीब्यूटर्स को ही मिल सकता है। एमआरआई सीएमडी आपको और किसी कंपनी में नहीं मिलेगा। ये भी पेटेंट हमारे पास है एमआरआई वालों का, यानी कि एमआरआई वेस्टीज के अलावा किसी को भी इंपोर्ट नहीं कर सकती है सीएमडी। तो ये हमारा पेटेंट प्रोडक्ट हो गया, जैसे क्रिल हमारा पेटेंट प्रोडक्ट है, राइट, ऐसे ही हमारा सीएमडी भी पेटेंट प्रोडक्ट है। तो इतनी क्लैरिटी सबको हो गई, राइट, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मेरे को बीच में थोड़ा बहुत चैट में और थंब दिखा के बताते रहना, जहां पर कंफ्यूजन हो वहां पर हम दोबारा से बात कर लेंगे उस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो एमआरआई क्लियर हो गया, सीएमडी क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं कि आखिर सीएमडी मिनरल्स, कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप्स क्या है इसमें, तो कोई बताएगा सीएमडी में क्या है? अनम्यूट करके बता सकते हो, हैंड रेस करके चैट में लिख सकते हो। एल्कलाइन है, कर देता है वाटर को, और एसिडिक खत्म कर देता है। जो हम एसिडिक पानी पीते हैं उसको एल्कलाइन कर देता है इसकी ड्रॉप डालने से। इसमें हाँ, बिल्कुल सही जवाब है कि ये तो इसका काम हो गया, ये आयनिक आयनिक प्रॉपर्टीज हैं। दीपिका का और मीना मैम का आंसर बिल्कुल ठीक है कि सीएमडी आखिर है क्या। तो सीएमडी सिंपल मिनरल्स है, वो भी अब इसमें हम इसको ऐड करेंगे, ये 84 ह्यूमन ग्रेड मिनरल्स है। आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में कितने मिनरल्स होते हैं, लिख एटी लीजिए। फोर नो, पूरे वर्ल्ड में 102 मिनरल्स होते हैं, जिसमें कि 84 मिनरल्स हमको सीएमडी के थ्रू मिल जाते हैं। अमेजिंग, 102 मिनरल वर्ल्ड वाइड प्रेजेंट हैं, जिसमें से हमें 84 मिनरल्स सिर्फ सीएमडी यूज करने से मिल जाएंगे। और ये मिनरल्स कहाँ पर होते हैं? ये मिनरल्स हमारे शरीर में नहीं बनते, ये मिनरल्स हमें दो ही सोर्सेस से मिलते हैं। वो दो सोर्सेस कोई बताएगा मुझे कि मिनरल्स के दो सोर्सेस कौन से हैं, कहाँ से मिलते हैं हमें मिनरल्स? CMD, खाना और पानी। यस, फूड एंड वाटर ओनली, फूड एंड वाटर दो सोर्सेज हैं जहां से हमें मिनरल्स मिलते हैं। अब सोच के देखिए कि आज के टाइम पे कितना पौष्टिक फूड हमें मिल रहा है, या कितना पौष्टिक फूड हम खा रहे हैं, या कितना पौष्टिक फूड जमीन से ही आ रहा है। जमीन क्या है, न्यूट्रिशन डिप्लीट हो गया है, डिप्लीट हो चुका है, क्योंकि सर ने बताया कि वो खुद एग्री पे जब काम करते हैं तो किसान उनको खुद बताते हैं कि हम कितना ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करते हैं, कितना ज्यादा हाई केमिकल यूज करते हैं। जो एक एक फसल एक एक साल में होती थी, अब चार चार फसल एक साल में होती है। तो मिट्टी, जो हमारी उपजाऊ मिट्टी होती है, उसका न्यूट्रिशन खत्म हो रहा है। तो जब मिट्टी में न्यूट्रिशन नहीं होगा, तो डेफिनेटली जड़ों में न्यूट्रिशन नहीं होगा। जड़ों में न्यूट्रिशन उतना ज्यादा नहीं होगा, तो जो उसके ऊपर फल उगेगा, सब्जी उगेगी, उसका न्यूट्रिशन वहीं पे 30% रह गया। उसके बाद वो पक पका के कई दिनों में आपको मिलता है। तो अब आप सोचो कि कितने मिनरल्स हमको मिल रहे हैं। इसीलिए आज सप्लीमेंट्स की इंडस्ट्री जो है वो ग्रो कर रही है, क्योंकि न्यूट्रिशन फूड से प्रॉपर नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए सीएमडी को हमारी विजनरी सोच के मैनेजमेंट ने लॉन्च करा कि विटामिंस वगैरह तो सब हम दे रहे हैं, प्रोटीन दे रहे हैं, लेकिन प्योर मिनरल्स हमारे पास नहीं थे। तो इसी सोच के साथ मिनरल्स को लॉन्च किया गया। तो ये उस क्वेश्चन का जवाब है जो प्रोस्पेक्ट बोलेगा कि हमें क्या जरूरत है मिनरल्स लेने की। तो अभी आगे आपको मैं मिनरल्स की इंपॉर्टेंस भी बताऊंगी, ठीक है। तो ये है हमारा मिनरल का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि हमारे जो सीएमडी है वो हमारे 84 ह्यूमन ग्रेड मिनरल्स हैं, और इसमें मिनरल्स गारंटेड हैं। आप ये भी लिख सकते हो, मिनरल्स गारंटेड, राइट। अच्छा, अब हमें ये क्वेश्चन आता है कि मिनरल जरूरी क्यों है। अब आज से पहले भी तो हम लोग पानी पी रहे थे, तब तो थे नहीं मिनरल ड्रॉप्स, तो इनकी जरूरत क्या है। तो इसकी अवेयरनेस के लिए आपको थोड़े से फैक्ट्स मैं शेयर कर देती हूँ। इतना सेशन सबको क्लियर हो रहा है, स्पीड इज ओके, ओके, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ, देखिए सबको मालूम है कि हमारा शरीर किससे बना है, सेल्स, पानी सेल्स है। सेल्स है ना, सेल्स हमारे शरीर की यूनिट है, बेसिक इकाई है, सेल से बना हुआ है। और जब सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या बनता है,
और टिश्यू इकट्ठे होते हैं तो क्या बनता है? ऑर्गन्स। और ऑर्गन्स जब इकट्ठे होते हैं तो क्या बनता है? हमारी ह्यूमन बॉडी रेडी हो जाती है ना, और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम बनाते हैं, राइट, है ना। तो अब उसको हेल्दी रखने का काम करता है हमारा सीएमडी, क्योंकि सीएमडी बेसिकली हमारे सेल्स के ऊपर भी काम करता है, सेल्स को हेल्दी बनाता है। और इसका जो मेन काम है वो अब आगे मैं आपसे डिस्कस करूंगी। तो देखो सीएमडी का काम क्या है, सीएमडी का मेन काम है जो हम खाना खाते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, उसको और विटामिन्स को सेल्स में मूव कराने का काम मिनरल्स ही करते हैं। सपोज आपने अच्छा बढ़िया खाना खाया लेकिन आपके मिनरल्स की कमी है, तो वो खाना पूरी तरीके से आपकी सेल्स अब्सॉर्ब नहीं करेंगी और ना ही वो मूव करेगा आपका प्रॉपर फूड आपके शरीर में, और आपको प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलेगी। ये सब होगा मिनरल्स की कमी की वजह से। तो मिनरल्स इसलिए जरूरी है कि जो विटामिन हम खा रहे हैं, जो खाना हम खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, जूस पी रहे हैं, उसको सेल्स में प्रॉपर मूव करवाए। और जब वो सेल्स में प्रॉपर मूव होगा तभी ना वो आपको एनर्जी देगा, तभी वो आपको ताकत देगा, है ना। तो अगर किसी भी फैमिली में सब कुछ अच्छी डाइट होने के बावजूद, बढ़िया खाना होने के बावजूद अगर उस बंदे की तबीयत ठीक नहीं रहती है या वो वीक फील करता है, तो उसका डाइट चेक करो कि उसके डाइट में डेफिनेटली मिनरल्स की कमी है, क्योंकि मिनरल्स की कमी की वजह से न्यूट्रिशन उसके शरीर को उतना लग ही नहीं रहा है। तो ये बेसिक काम है हमारे मिनरल्स का, राइट, ठीक है, क्लियर। अच्छा अब इसके मैं कुछ एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि थिंकिंग। थिंकिंग के लिए भी मिनरल्स की जरूरत पड़ती है, पता है? थिंकिंग हमारी कौन से सिस्टम करते हैं हमारा थिंकिंग, जल्दी से बताइए। ब्रेन। यस, इसका सिस्टम बताइए, सिस्टम का नाम। ब्रेन तो हो गया हमारा ऑर्गन, नर्वस सिस्टम। एग्जैक्टली, नर्वो सिस्टम, न्यूरो। और आपको मालूम है कि न्यूरो को सही प्रॉपर ढंग से चलाने के लिए कौन सा मिनरल चाहिए होता है? मैग्नीज। ये ट्रेनिंग में पता चली हमें छोटी छोटी चीजें जो वहां बैठकर ही फील की जा सकती हैं, सीखी जा सकती हैं और लिखी जा सकती हैं। तो मैग्नीज हमारे न्यूरो सिस्टम को चलाने में काम करता है, और मैग्नीज एक मिनरल है, राइट। थिंकिंग हमारी तभी प्रॉपर होगी जब हमारा मिनरल मैग्नीज हमारे ब्रेन में प्रॉपर होगा, प्रॉपर हम उसको देंगे। उसके बाद आता है हमारा एक और, मैं आपको बताऊंगी, थायराइड ग्लैंड, है ना। थायराइड ग्लैंड होती है ना हमारी जो, उसको प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कौन सा मिनरल चाहिए? ये मिनरल की इंपॉर्टेंस मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है जिसकी कमी से थायराइड ग्लैंड इम्बैलेंस हो जाती है, या तो ज्यादा वो निकालती है थायराइड हार्मोन, या फिर कम निकालती है। थायरोक्सिन। थायरोक्सिन। नो, इट इज सिलेनियम। इट इज अ मिनरल। सोचो, एक सिलेनियम मिनरल की कमी की वजह से थायराइड हो जाता है, या तो हाइपर या फिर हाइपो। तो ये है मिनरल की इंपॉर्टेंस। एक और इश्यू हो जाता है, ब्लड कम होता है, आयरन कम होता है, उससे क्या हो जाते हैं? एनिमिक। आयरन इटसेल्फ अ मिनरल। ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का कमजोर होना, चूर चूर हो जाना, इटसेल्फ किसकी कमी से होता है? ये ऑस्टियोपोरोसिस। कैल्शियम, राइट भाविका, वो दीपिका, कैल्शियम की कमी से, एंड कैल्शियम इटसेल्फ अ मिनरल। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि मिनरल्स की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो हर चीज के लिए मिनरल जरूरी है, थिंकिंग के लिए, वॉकिंग के लिए, बात करने के लिए। यस भाविका, आपका हैंड रेज है। तूने बताया था ना, कैल्शियम प्लस विटामिन डी प्लस मिनरल्स। कैल्शियम प्लस विटामिन डी प्लस मिनरल, यस, राइट। अच्छा एक और आपने, आयरन की कमी से क्या बताया था? नहीं तो, हाँ जी, आयरन की कमी से क्या बताया था मैम? एनिमिक। ओके ओके। सिलेनियम की कमी से थायराइड, या हाइपो, या हाइपर। सॉरी, एक कॉल आ गया था। हाँ जी, और एक आपने बीमारी देखी होगी लोगों के, यहाँ पे गले फूले हुए होते हैं, देखा है ना, गले फूले हुए होते हैं, उस बीमारी को क्या कहते हैं?
घेंगर, कहते ग्वाइटर 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 आयोडीन हैं, होता है, ग्वाइटर या घेंगर होगा, ग्वाइटर है ना, वो किसकी कमी से होता है? आयोडीन, नमक, आयोडीन, आयोडीन, नमक का जो कम सेवन करते हैं ना आयोडीन से। आयोडीन। और आयोडीन भी एक मिनरल है। आयोडीन इटसेल्फ अ मिनरल। तो आप देख रहे हैं कि कितनी छोटे छोटे ये हमारे मिनरल्स होते हैं और छोटी क्वांटिटी में हमें ये चाहिए होते हैं, लेकिन अगर इनकी कमी हो जाए तो हमें कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं। तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल्स मैंने आपको समझाई, तो आप इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल्स समझ गए, तो इंपॉर्टेंस ऑफ सीएमडी तब सब समझ ही गए होंगे कि जब 84 ह्यूमन ग्रेड मिनरल्स हमें मिलेंगे तो हम, ये तो बहुत थोड़ी सी बीमारियां मैंने आपको नोटिस कराई हैं, नेक्स्ट सेशन भी इसके ऊपर करेंगे। बहुत सारी बीमारियां हैं जो मिनरल्स की कमी से होती हैं, तो सीएमडी की वैल्यू और क्लियर हो जाएगी सबको। ठीक है, तो इतना क्लियर क्लैरिटी है ना, चले आगे। ठीक है, ओके। तो अब ये तो हो गया इंपॉर्टेंट काम हमारे सीएमडी का, कि ये हमारे पानी में जब हम इसको मिला के पीते हैं तो ये मिनरल्स को ऐड कर देता है। ठीक है, अब इसका सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है जो संतोष मैम ने बताया, ये वॉटर को एल्कलाइन कर देता है, एल्कलाइन कर देता है। अब हमें ये जानना जरूरी है कि एल्कलाइन क्या होता है और एसिडिक क्या होता है। ठीक है, तो एसिडिक एक वो स्टेट है जो हमारे शरीर की नहीं होनी चाहिए। अगर एसिडिक स्टेट रहेगी, हाँ जी, सॉरी सॉरी, एक कॉल आ गया, मुझे जवाब देना ही पड़ गया, वो रेगुलर कर रहे थे, अब हम कंटिन्यू करते हैं। तो बॉडी, ठीक है, या तो एसिडिक होती है या फिर एल्कलाइन होती है। तो एसिडिक बॉडी को अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि फिर उनको वो जो भी खाते हैं वो एसिड में ही कन्वर्ट होता है, वो उनको एसिडिटी होगी, उनको अल्सर होगा। और जो एल्कलाइन बॉडी होती है उसको न्यूट्रल, या तो न्यूट्रल या फिर एल्कलाइन बॉडी को अच्छा माना जाता है। सो क्योंकि उनका जो फूड है वो एनर्जी में ही कन्वर्ट होता है, वो एसिड में कन्वर्ट नहीं होता है। तो एसिडिक हमारे शरीर का अच्छा, और एसिड एसिडिक और एल्कलाइन को तय कौन करता है? पीएच वैल्यू तय करती है। ठीक है, पीएच वैल्यू तय करती है। तो कोई बताना चाहेगा कि एक ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल पीएच होता है वो कितना होता है? हमें पता होना चाहिए हमारे शरीर का नॉर्मल पीएच। 7.4। हाँ जी, 6.5 से 7.5 के बीच अगर एक ह्यूमन बॉडी का पीएच रहता है तो उसे एक एक अच्छे कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, 7 से नीचे की तरफ एसिडिक और 7 से ऊपर की तरफ वो एल्कलाइन होता चला जाता है। ठीक है, तो बेसिक हमारा 7.4, 7 से नीचे अभी उन्होंने एसिडिक। बतलाया था, ये भी अभी बतलाया था ना मीटिंग में, ये जी, उसने वीडियो में। और 7 से ऊपर आपका एल्कलाइन। अच्छा, अब कलर भी देखो, एसिड, किसी ने देखा है किसी को जब एसिड की सीवियर प्रॉब्लम होती है, वो बेचारा वोमिट भी कर देता है, कुछ भी कर देता है, तो कैसा गंदा सा कलर होता है? येलो। येलो। तो बस इसी से याद रखना कि 7 से नीचे जो है ना लाल और पीला होता है कलर एसिडिटी का, एसिडिक का। ठीक है, और जो एल्कलाइन होता है वो कैसा होता है? लाइट ब्लू, लाइट ब्लू, फिर ब्लू, इस टाइप से ब्लूइश कलर होता है। ठीक है, तो ये हमें एसिडिक और एल्कलाइन क्लियर हो गया, डिफरेंस क्लियर हो गया हमें। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक फैक्ट बताती हूँ कि इंपॉर्टेंस क्या है एल्कलाइन वाटर की। देखो, सीएमडी हमें दो चीजें देता है, एक तो मिनरल्स और एक एल्कलाइन बनाता है पानी को। ये दो इसके हमारे मेजर फैक्ट है। तो मिनरल्स का तो पता चल गया, अब एल्कलाइन पानी पीने का क्या फायदा है वो मैं आपको बताती हूँ। इन दो लाइनों से क्लैरिटी हो जाएगी कि वाई वी शुड कंज्यूम सीएमडी इन वाटर। ठीक है, जैसे ही हम अपने मिनरल ड्रॉप्स को पानी में मिलाते हैं तो मिनरल्स के साथ साथ हमारा पानी भी एल्कलाइन हो गया। और अब ध्यान से सुनिए, किसी बहुत बड़े विद्वान ने ये बोला है, उनका नाम भी मैं बताऊंगी, कि नो डिसीज इंक्लूडिंग कैंसर। कितनी भयानक शब्द है, ये बोलने में भी रूह कांपती है। नो डिसीज इंक्लूडिंग कैंसर कैन एग्जिस्ट इन एल्कलाइन इन्वायरमेंट। यानी कि अगर आपके शरीर का इन्वायरमेंट इंटरनली एल्कलाइन है तो कोई बीमारी, तो छोड़ो कैंसर जैसी भयंकर बीमारी भी पनप नहीं सकती। तो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या होगी एल्कलाइन वाटर की, राइट? तो दिस इज द मेन रीजन कि वी ऑल शुड कंज्यूम सीएमडी इन वाटर। और कोशिश करें कि अपनी फैमिली फ्रेंड्स में इस अवेयरनेस को जरूर फैलाएं कि कैंसर जैसी बीमारी एल्कलाइन शरीर में अटैक नहीं करती।
मैम एक बार लाइन रिपीट कर दीजिए. नो डिजीज इंक्लूडिंग कैंसर कैन कैन एग्जिस्ट इन एल्कलाइन इन्वायरमेंट या एल्कलाइन बॉडी. वो पनप ही नहीं पाते कैंसर के सेल्स एल्कलाइन इन्वायरमेंट में. तो ये मेन रीजन है सीएमडी को यूज करने का कि और एल्कलाइन पानी का सबसे बड़ा बेनिफिट. और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कह रहे हैं हमारे डॉक्टर ओथो वारबर्ग. नाम लिख सकते हो इन्फॉर्मेशन के लिए, डॉक्टर ओथो वारबर्ग, जो कि 1931 में नोबेल प्राइज विनर रहे हैं फॉर कैंसर डिस्कवरी के लिए. तो मिनरल्स की और एल्कलाइन पानी की जो इम्पोर्टेंस है वो सबको क्लियर हो गई है ना. अब हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ सीएमडी, अनदर एडवांटेज ऑफ सीएमडी. तो अब हमें ये तो पता चल गया कि मिनरल्स भी लेने हैं, एल्कलाइन पानी भी पीना है, और इसके क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं. तो सबसे पहले अच्छा ये बताओ कि हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ कैसे रह सकता है. कौन सा ऐसा हमारा सिस्टम है जो पूरा हेल्दी रहेगा तो हम हेल्दी रहेंगे, जल्दी से बताओ. भाविका, मुझे पता था मेरे साथ बैठ के ट्रेनिंग ले रही थी, किसी और को आंसर देना था. चलिए, डाइजेस्टिव सिस्टम एक्चुअली. यस यस नीरू मैम, डाइजेस्टिव सिस्टम कह लीजिए, गट हेल्थ कह लीजिए, है ना, हमारी इंटेस्टाइन हो गई, हमारा जो लीवर हो गया, ये सब चीज. बट इन गट इज द इनफॉर्मल वर्ड. डाइजेस्टिव सिस्टम एक्चुअली इज द प्रॉपर सिस्टम दैट relates to it. बिल्कुल बिल्कुल. ओके जी. तो starting from the throat right up to the large intestine is the digestive system. Yes, large intestine, small intestine. हाँ, मतलब बहुत सारे include करके esophagus, नीचे our stomach, gallbladder, everything included. Everything. Liver. Biology की याद आ गई. Bile is a gall bladder में से निकलता है, वो जूस होता है. जूस होता है. Yes. तो ये सब organs मिलके digestive system को बनाते हैं. तो अगर किसी व्यक्ति का digestive system healthy है तो वो व्यक्ति संपूर्ण हेल्दी है ना. ये हमारे पुराने नानी दादी सब कहते आए हैं कि अगर पेट सही है तो सब कुछ सही है, क्योंकि सारे रोगों की जो जड़ है वो पेट है. अब उसका क्या रीजन है, क्योंकि फूड डाइजेस्टिव सिस्टम में ही जाता है ना, स्टमक में ही जाता है, फूड पाइप से जो के थ्रू होके जाता है, तो वहीं पे बैड बैक्टीरिया और गुड बैक्टीरिया पनपते हैं. तो एक्सक्यूज मी नीतू, आई हैव अ क्वेरी. यस, कौन बात कर रहे हैं? मैं वैशाली बोल रही हूँ. हाँ वैशाली बोलिए. अरे मैं ये पूछ रही हूँ, जैसे मेरा तो गॉल ब्लैडर है ही नहीं, तो मुझे लास्ट 3 डेज से मुझे पित्त की उल्टियां हो रही है, क्योंकि वो स्टोरेज तो कहीं होता ही नहीं, मेरा जो बाइल बनता है रिफ्लक्स होता है सारा. 3 डेज से मुझे उसकी वॉमिट हो रही है, मतलब मैं खाना खाना पा रही हूँ, कुछ कर पा रही हूँ. तो क्या सीएनडी भी उस पे हेल्प करेगा क्या मुझे? डेफिनेटली हेल्प करेगा विशाली, आप सीएमडी को कंटिन्यू करो. और इसके क्या करेगा डेफिनेटली. और बहुत ज्यादा येलो बाइल बनता है, मैं कुछ भी अगर ऑयली चीज खा लेती हूँ ना, तो नेक्स्ट डे मुझे ढेर सारा मॉर्निंग में येलो येलो आउट होता है, मेरे मुंह से निकलता है सारा. वैशाली, कैन आई से वन थिंग नीतू? Yes. आपका अगर गॉल ब्लैडर ऑपरेट हो गया है तो yes, एक तो आप सब सीड्स वाली सब्जी बीज वाली सब्जियां ना खाएं, फ्रूट और सब्जियां ना खाएं, अवॉइड करें. जैसे खीरा हो गया, पपीता हो गया, वो अवॉइड करें. और फ्राइड तो बिल्कुल स्पाइसी एंड फ्राइड फूड अवॉइड करें. वो है ऑयली में अवॉइड करती हूँ, समहाउ वो सब टाइम्स हो जाता है, पार्टी है या कुछ घर में कुछ हो गया तो खाना पड़ जाता है. दैट्स ओके, दे से कि उसका कोई फर्क नहीं पड़ता इतना, अगर कभी कभी हो तो. और फिर आंवला इज अ वेरी गुड सोर्स. आई एम टेकिंग ऑल ऑफ दिस, मैं लेती हूँ. ठीक है, थैंक यू. थैंक यू विशाली. और हम लोग पर्सनल भी इस पे बात कर सकते हैं, और मैं आपको बताऊंगी डेफिनेटली कि सीएमडी कैसे आपको इसमें हेल्प करेगा, क्योंकि आपको आपको आपके अंदर का एनवायरनमेंट एल्कलाइन बनाना बहुत जरूरी है. तो आप तो सीएमडी रेगुलर कर लीजिए, 20-20 ड्रॉप्स, मतलब 20 से भी ज्यादा भी आप ले सकते हो अकॉर्डिंग टू योर यू नो पोटेंशियल ऑफ एब्जॉर्प्शन, राइट? धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए, है ना, फिर हम लोग आराम से भी बात कर लेंगे. ओके डियर.
तो लेट्स कंटिन्यू। तो सबसे पहले हमारा ये क्लैरिटी आ गई कि अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है, हमारी गट हेल्थ अच्छी है, तो हमारा शरीर अच्छा है। तो हमारी अच्छी गट हेल्थ या हमारे स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है ये बताओ मेरे को। भाविका नहीं बताएगी, कोई और बताएगा। हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम, टाइम से खाना खाना। अच्छा टाइम से खाना खाना, हाँ चलो ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट बताइए। फूड का डाइजेस्ट होना, फूड का डाइजेस्ट होना ठीक है। और नजदीक आइए, और नजदीक आइए, हरी सब्जियां और फ्रूट लेना। हेल्दी फूड। हाँ हेल्दी देखो फूड सब लोग थोड़े थोड़ा अच्छा ही बता रहे हैं, मैं मुद्दे पे आ जाती हूँ। सबसे बढ़िया जो मैंने बताया था, अपने गट हेल्थ को, डाइजेस्ट सिस्टम को एल्कलाइन रखना, बैड बैक्टीरिया को खत्म कर देना, उसे एल्कलाइन रखना। बस एक वर्ड रट लो, एल्कलाइन। एल्कलाइन रखने में डाइजेस्टिव सिस्टम, यही और बताना जा रही थी। खान पीन ऐसा है कि हम वो खाना खा ही नहीं रहे हैं ज्यादा जो हमारे अंदर गुड बैक्टीरिया को पनपने दे। हमारा ज्यादातर ईटिंग हैबिट ऐसी है कि जो बैड बैक्टीरिया को पनपने में हेल्प करता है, जैसे कि शुगर, जैसे कि मैदा, जैसे कि प्रोसेस्ड फूड, जैसे कि पैक्ड फूड, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, बहुत सारी चीजें हैं, चिप्स, नमकीन, जो लोग आप समझ के व्रत में तल के चिप्स खाते हैं, नमकीन खाते हैं, डाइट नमकीन खाते हैं, वो सब अनहेल्दी है, वो सब बैड बैक्टीरिया को बढ़ाता है। तो अंदर का एनवायरमेंट तो एसिडिक बनना ही है, तो हमें उस एसिडिक को एल्कलाइन में चेंज करना है। तो शरीर स्वस्थ रहेगा हेल्दी गट से, हेल्दी गट स्वस्थ रहेगी एल्कलाइन पानी से, और एल्कलाइन पानी कहाँ से मिलेगा? सीएमडी से। सीएमडी। तो एक नारा याद कर लो, हेल्दी बॉडी हेल्दी गट, तो एल्कलाइन, और एल्कलाइन कैसे बनेगा पानी? सीएमडी से। बस ये चार लाइनें, चार हमें वर्ड यूज करने हैं। यस सुषमा जी दिखा रही हैं। तो गट को हेल्दी रखना है तो उसको एल्कलाइन रखना पड़ेगा, एल्कलाइन रखना है तो खूब सारा पानी पीना पड़ेगा, और पानी पीना है तो हमें सीएमडी डाल के पीना है, क्योंकि वही हमारे पानी को एल्कलाइन बनाता है। और कोई चीज एल्कलाइन, और ऐसे था कि हेल्दी गट होगा तो एल्कलाइन वाटर पीना है, एल्कलाइन कैसे होगा? मिनरल्स, देन मिनरल्स कौन सा? सीएमडी। सीएमडी प्लस, यस राइट। और ऐसे तो लोग बहुत मिलेंगे आपको, बोलेंगे कि हम एल्कलाइन पानी पीते हैं जी, हम उसमें खीरा डाल लेते हैं, नींबू डाल लेते हैं। मैंने भी ट्राई करा था, मैं भी नींबू और खीरा डाल के पानी, मैंने शायद 4-5 दिन रात में काट के उसमें डाला है, 6ठे दिन मेरे को आलस आ गया, मैंने नहीं डाला। तो वो भी एक तरीका है पानी को एल्कलाइन करने का, ठीक है। आप नींबू निचोड़ के पीते हो तो आपको पानी आपका एल्कलाइन हो जाता है, लेकिन मिनरल्स तो नहीं मिले ना। तो अगर कोई बोले कि मैं तो नींबू डाल के पानी एल्कलाइन कर लूंगी, तो फिर आप बोलना लेकिन मिनरल्स तो नहीं मिलेंगे ना, विटामिन सी तो मिलेगा, है ना। तो और तो वहां पे मिनरल्स को ऐड कर दो, ठीक है। घड़े का पानी है, उसमें मिट्टी के मिनरल्स आ जाते हैं, राइट, लेकिन वो एल्कलाइन नहीं होता, तो उसके लिए वहां पर भी सीएमडी ऐड कर दो, राइट। तो इस तरीके से हमें ये सारी चीजों को फील्ड में फेस करना है। तो अब पहला हो गया कि हेल्दी रखता है गट को, सेकंड हेल्प इन हेल्दी सेलुलर नरिशमेंट, जिसकी स्टार्टिंग में बताया था कि सेल्स के थ्रू नरिशमेंट पहुंचता है, तो जो हमारा सीएमडी है जब हम उसको कंज्यूम करते हैं तो सेलुलर नरिशमेंट में हेल्प करता है। कीप्स बॉडी हाइड्रेटेड, ऑब्वियसली जब आप पानी पियोगे तो आपकी बॉडी हाइड्रेटेड होगी, है ना। और सीएमडी के हमें ड्रॉप्स कंज्यूम करने हैं तो हमको 3 से 4 लीटर पानी बोला जाता है पीने के लिए एक हेल्दी पर्सन को, अगर उसको और कोई किडनी का या कुछ इश्यू ना हो। तो ये हमारी बॉडी को भी हाइड्रेटेड रखने में हेल्प करता है। ऑल्सो हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन, ये बहुत सारे लोगों ने टेस्टिमोनियल्स दिए हैं कि ये डिटॉक्सिफाई करता है। अब साइंस है इसके पीछे कि जब ये शरीर को एल्कलाइन करेगा तो डेफिनेटली बैड बैक्टीरिया मरेंगे, बैड बैक्टीरिया मरेंगे तो डाइजेशन इंप्रूव होगा, डाइजेशन इंप्रूव होगा तो डिटॉक्स अपने आप ही हो जाओगे। यानी कि बहुत ज्यादा वॉशरूम आपको जाना पड़ सकता है, तो उससे घबराए नहीं, वो सीएमडी आपके सिस्टम को डिटॉक्स कर रहा है, यानी कि यूरिन के फॉर्म में आपका डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है, राइट। बूस्ट मेटाबॉलिज्म, फिर से साइंस आ गया कि जब एल्कलाइन रहेगा, गुड बैक्टीरिया बढ़ेगा तो मेटाबॉलिज्म अपने आप ही इंप्रूव हो जाएगा, यानी कि फूड अनडाइजेस्टेड नहीं रहेगा, अच्छे से डाइजेस्ट होगा और एनर्जी में कन्वर्ट होगा। एंड ऑब्वियसली जब आपकी गट हेल्थ अच्छी होगी तो आपका इम्यून सिस्टम तो स्ट्रांग होगा, है ना, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा। और इसके बहुत सारे अल्टीमेट बेनिफिट्स हैं जो मैं आपको बताती हूँ। न्यूट्रलाइज करता है एसिडिटी को,
ये एसिडिटी न्यूट्रलाइज करता है सीएमडी, यानी कि अगर कोई सीवियर सीवियर क्या छोटी मोटी भी अगर उसको एसिडिटी है या गैस का प्रॉब्लम है तो आप उसका इमीडिएटली सीएमडी वाटर स्टार्ट कराइए, क्योंकि एसिडिटी ना कि होने के सिर्फ ये रीजन नहीं है। अच्छा कोई बताए मुझे एसिडिटी होने के रीजन क्या होते हैं? एनीवन कैन टेल? यस दीपिका, खाने खाना इजीली डाइजेस्ट ना होना, खाना तला इजीली। भुना खाना, हाँ बिल्कुल राइट संतोष मैम एंड दीपिका, बिल्कुल राइट। सही समय पर खाना ना खाना, और देर आर मल्टीपल रीजंस, और बताइए। मैम इसके बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे स्ट्रेस लेवल इंक्रीज होना, नींद का पूरा ना होना, इससे भी बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ये दीपिका ने सही बात, मैम वॉइस में इशू है। बस मैंने माइक सबके ऑफ कर दिए हैं, प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने अपने माइक ऑफ रखेंगे, है ना? मेरी आवाज क्लियर आ रही है? ठीक है, तो यस एसिडिटी का एक सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि जिस वक्त आपका पेट खाना मांग रहा है, ठीक है, लेकिन आपको लग रहा है कि पहले कपड़े प्रेस कर लूं फिर खाना खाऊंगी, अगर आपने अपनी वो भूख का टाइम निकाल दिया, इट इज अ रीजन ऑफ एसिडिटी। क्योंकि उस समय आपके पेट को खाना चाहिए था लेकिन आपने उसको खाना नहीं दिया, तो खाली पेट आपको गैस और एसिड ही बनेगा। तो अपने खाने का टाइम निश्चित कीजिए, यानी कि भूख का टाइम निश्चित टाइम पे खाइए, भूख को मारिए मत, ये भी कारण बनता है। और बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग मत करिए, ये भी एसिड बढ़ाता है शरीर में। जो लोग बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, एसिडिटी वालों से पूछना कि बहुत ज्यादा सोचते हो क्या, बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो क्या, ओवर थिंकिंग वाले लोगों को भी एसिडिटी होती है, और जो बहुत स्ट्रेस और टेंशन लेते हैं उनको भी एसिडिटी होती है। ये सारे एसिड फॉर्मेशन के रीजन है, राइट? तो हम अपनी हैबिट्स को इम्प्रूव करके अपना एसिडिटी से छुटकारा पा सकते हैं। रही सही, दूर कौन करेगा? सी पीएमडी जी, यस, एंड जीटा टी ऑल्सो। तो ये न्यूट्रलाइज करता है एसिडिटी को, जो कि होती है स्ट्रेस की वजह से, डाइट की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, और कई बार बॉटल्ड वाटर जो हम पीते हैं ना, जैसे कि कोला एंड ऑल, जलजीरा वगैरह, उन सब की वजह से। ठीक है, तो उनको आप स्टॉप कर दीजिए, वो सिर्फ एसिडिक होते हैं, एसिड से भरे होते हैं। उसके बाद ये क्या करता है, रीस्टोर बॉडी फंक्शन बाय क्लीनिंग योर सेल्स फ्रॉम इनसाइड आउट। जैसे स्टार्टिंग में बता दिया था, सेल्स की ये सफाई भी करता है। इम्प्रूव आवर इम्यून सिस्टम एंड इंक्रीज ब्लड ऑक्सीजन लेवल टू डिलीवर मोर एनर्जी टू द बॉडी, क्योंकि सीएमडी मिनरल्स है और मिनरल्स ही हमारे सेल्स में मूव कराते हैं विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स को। तो जब वो मूव होंगे तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा और हमारे शरीर को प्रॉपर एनर्जी मिल जाएगी। तभी तो आपने देखा होगा लोग कहते हैं कि सीएमडी पीते हमें इंस्टेंट एनर्जी मिल गई। क्यों? क्योंकि ये आयनिक फॉर्म में है। आयनिक फॉर्म में होने का मतलब है कि तुरंत डिजॉल्व, तुरंत एब्जॉर्ब, तो इसीलिए हमें इंस्टेंट एनर्जी से फील होती है। फील करके देखिएगा आप लोग, बहुत थकान जब कभी हो जाए ना, बहुत मेहनत करो, पी के देखना और सब लोग बताना फिर कि क्या सीएमडी ने आपके ऊपर रिजल्ट दिया। और एक बहुत अच्छा काम करता है, अ हायर पीएच इन द बॉडी रिड्यूसेस द नीड फॉर द कोलेस्ट्रॉल एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम डैमेजिंग एसिड्स। यस, ये हायर पीएच मेंटेन करता है जो कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। हायर पीएच मतलब मोर अल्कलाइन बॉडी, है ना, लोअर पीएच मतलब एसिडिक बॉडी। तो ये हायर पीएच को मेंटेन कराने में हेल्प करता है। ऑल्सो इम्प्रूव द बॉडी एब्जॉर्प्शन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। ये बता ही दिया था कि विटामिन्स का कंजम्पशन शरीर में मिनरल्स के बिना है ही नहीं। देखो कैल्शियम भी विटामिन डी के साथ आता है ना, और सबको पता है कि विटामिन डी कैल्शियम के बगैर एब्जॉर्ब नहीं होगा, या कैल्शियम विटामिन डी के बिना एब्जॉर्ब नहीं होगा, सब वाइस वर्सा है। तो कैल्शियम और मिनरल्स की तो जोड़ी हमेशा से साथ में है, राइट? तो अगर आप विटामिन्स ले रहे हो लेकिन आपको कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो आप मिनरल्स एड ऑन करिए उसमें, उसके बिना वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे। एंड एल्कलाइन वाटर इज निगेटिवली चार्ज्ड, एल्कलाइन वाटर जो होता है वो निगेटिवली चार्ज्ड होता है, और एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, देयर फॉर रिड्यूसिंग सेलुलर एंड डीएनए डैमेज। यानी कि जो एंटीऑक्सीडेंट जब हमारे शरीर को मिलते हैं ना, तो वो हमारे डीएनए डैमेज को रोकते हैं, सेलुलर डैमेज को रोकते हैं, सो दैट हमारा शरीर फ्री रेडिकल से बचा रहे। एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं वो फ्री रेडिकल्स के दुश्मन होते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट हमें अल्कलाइन वाटर से मिलता है, और अल्कलाइन वाटर हमें सीएमडी से मिलता है। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि सीएमडी हमें एंटीऑक्सीडेंट्स देने का काम भी करता है, और फ्री रेडिकल से हमारी बॉडी को दूर रखता है।
सर्टिफिकेशन की बात करूं तो बहुत सारे सर्टिफिकेशन है। इसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, इसके सर्टिफिकेशन का काफी सारे ग्रास सर्टिफिकेशन। ग्रास सर्टिफिकेट, ग्रास सर्टिफिकेट और एबीए जो अमेरिका को मिला, यस एंड कोशर आल्सो राइट, और इसके हलाल सर्टिफिकेशन, हलाल सर्टिफाइड। सात आठ इसके सर्टिफिकेशन है। और इसकी यूनिकनेस, अब मैंने कहा था ना सीएमडी इतना वाइड टॉपिक है ना, इसको आप पौन घंटे में कवर नहीं कर सकते हो। अभी इसके सर्टिफिकेशन के बारे में बात करनी है, अभी इसके यूनिकनेस के बारे में बात करनी है, अभी बात करनी है कि हमारा सीएमडी मार्केट में अवेलेबल सीएमडी से कैसे डिफरेंट है। तो 47 हो गया है, 3 मिनट्स मेरे पास और है, तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, बाकी 10 मिनट फिर फीडबैक के लिए रहेगा और क्वेरीज के लिए रहेगा। ओके दीपिका, ठीक है। तो मैं इसको बता देती हूँ कि ये हमारा यूनिक कैसे है, क्योंकि ये हमारा नेचुरल सोलर इवेपोरेशन प्रोसेस से बना है, नॉट बाय मशीनरी। ये बहुत बड़ी यूनिकनेस है हमारे सीएमडी की, कि जो हमारी ऊता लेक है वहां पर 3 नदियों का पानी इकट्ठा होता है, और वहां पर कितने हजार गैलन पानी होता है, तो उसमें से 50,000 गैलन या फिर 50 गैलन पानी को जो एंडरसन फैमिली है, जो उनका जो फैक्ट्री है जहां पर ये सीएमडी रेडी होता है, वो वहां से उसको भर के लेके जाते हैं, और उसको फिर एक नेचुरल प्रोसेस से, सोलर इवेपोरेशन से, वो अपने जो उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर सोलर इवेपोरेशन से उसको इवेपोरेट करते हैं, ना कि मशीनों के थ्रू करते हैं। यानी कि एक नेचुरल प्रोसेस से ये होता है, और इसमें पता है कितना टाइम लगता है, 2 ईयर्स। 2 ईयर्स की इवेपोरेशन के बाद सीएमडी मिनरल ड्रॉप रेडी होती है, फिर वो हमारे पास बॉटल्स में भर के यूएसए से डायरेक्ट इंपोर्ट होती है। अनदर ब्रांड जो सीएमडी बनाते हैं, वो मशीनों से मात्र 5-6 महीने के प्रोसेस में सीएमडी ड्रॉप्स को रेडी करते हैं, ठीक है, सीएमडी को रेडी करते हैं, तो वो उतना इफेक्टिव नहीं होता, क्योंकि वो नेचुरली प्रोसेस्ड नहीं होता, वो केमिकली प्रोसेस्ड या केमिकली ट्रीटेड होता है। तो ये यूनिकनेस है कि 2 साल के सोलर इवेपोरेशन प्रोसेस के थ्रू हमारा सीएमडी रेडी होता है, एमआरआई जो रेडी कराता है, एंडरसन फैमिली जो रेडी कराती है, और वो हम तक पहुंचता है। तो ये इसकी यूनिकनेस है, ठीक है। एंड अनदर जो मार्केट में जो सीएमडी के नाम से बिकते हैं, वो आपको मैक्सिमम 16 to 18 मिनरल्स ही प्रोवाइड कराते हैं, बट हम बिल्कुल प्राउड से और ट्रस्ट के साथ कह सकते हैं कि वी हैव गारंटेड मिनरल्स, वो भी ह्यूमन ग्रेड 84 मिनरल्स। और अगर आपको एट्टी उसकी सर्टिफिकेशन चाहिए, ऑथेंटिसिटी चाहिए, तो वो हमारे वेबसाइट पे और हमारे ट्रेनर्स के पास अवेलेबल है पूरा सर्टिफिकेशन, तो वो हम उनसे पीडीएफ लेके अपलोड करके प्रिंट आउट करा के दिखा भी सकते हैं। जैसे एयर प्यूरिफायर और वाटर प्यूरिफायर के हमारे पास बहुत सारे सर्टिफिकेशन है, ऐसे ही हमारे पास इसका भी सर्टिफिकेशन है, राइट। तो ये चीजें हैं, ये कुछ चीजें हैं जो हमारे सीएमडी को डिफरेंस डिफरेंट बनाती हैं, ठीक है, ऑल क्लियर। अब इसके जो जबरदस्त टेस्टिमोनियल्स थे और कैसे कैसे सीएमडी ने काम करा, उसके ऊपर मेरे को ऐसे लगता है कि अब हम सब लोग एक हफ्ता सीएमडी अच्छी तरह यूज करेंगे, और अपने टेस्टिमोनियल्स प्लस जो हम वहां से टेस्टिमोनियल नोट करके लाए हैं, उनको हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। तो ये सजेशन मेरा कौन कौन मानना चाहेगा, है ना, करेक्ट? क्योंकि देखो आज की ट्रेनिंग का फायदा जब होगा, जब एटलीस्ट सबके यहाँ पर एक एक बॉटल और परचेज हो जाए, है ना, वेरी गुड, सबके थम मिल गए, थैंक यू सो मच। क्योंकि टेस्टिमोनियल्स को भी ढंग से बताना समझाना बहुत जरूरी है, तो मैं इसी में नहीं जल्दी जल्दी करना चाहती, आज के लिए इतनी पढ़ाई काफी है बच्चों, है ना। यस और नेक्स्ट सेशन में, मैम, ओके, तो नेक्स्ट सेशन में हम आपका ये टेस्ट लेंगे कि किस किसने सीएमडी को अच्छी तरह से यूज करा, उसने अपने शरीर में क्या फर्क महसूस करा, और कितना सीएमडी, मिनिमम एक सीएमडी की बॉटल का ऑर्डर जरूर लेंगे नेक्स्ट ट्यूसडे तक, मिनिमम एक एक का टारगेट है सबका, ठीक है, चाहे अपने घर के लिए परचेज करे, चाहे अपने प्रोस्पेक्ट के लिए परचेज करे, ठीक है। तो इस ट्रेनिंग को एक हफ्ता सबको देंगे, सबको बताएंगे, और एक एक बॉटल का टारगेट लेंगे, और नेक्स्ट टाइम मैं आपको सारे टेस्टिमोनियल्स बताऊंगी, और आप लोगों के भी सुनूंगी और अपने भी बताऊंगी, ओके। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू स्टूडेंट्स, इतने ध्यान से सुनने के लिए, ट्रेनिंग को नोट्स बनाने के लिए और पार्टिसिपेट करने के लिए, थैंक यू एवरीवन। कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो, पर्सनल भी मुझसे बात थैंक यू कर मैम, सकते हो। थैंक यू, बहुत ही वंडरफुल सेशन था, और जैसा कि मंजुषा जी की होस्टिंग भी बहुत अच्छी थी, वो शायद अब हमारे साथ हैं, आई डोंट नो। जुड़ी तो है, ओके, तो
तो बहुत अच्छी होस्टिंग थी मंजुषा जी आपकी, बहुत अच्छी थी। और नीतू मैम, जबरदस्त सेशन आपने बताया, पूरा शॉर्ट में आपने बोला था कि दो तीन बार करना पड़ेगा, लेकिन एक बारी में भी आपने पूरा टॉपिक कवर किया। उसके बहुत कुछ नोट्स मैंने भी बनाए हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही BSW अटेंड की थी, बताया भी था, मैंने पोस्ट भी की थी अपनी पिक, तो उसमें भी मैंने CMD का बहुत अच्छा मैम ने कवर किया था। तो उसमें उन्होंने एक बात बताई थी, वैसे तो वो आपने कवर कर दिया, बट उससे रिलेटेड एक छोटी सी बात और है कि जो मिनरल्स होते हैं वो कौन से पानी में होते हैं, रुके हुए ठहरे हुए पानी में होते हैं। मिनरल्स, सबसे ज्यादा जो मिनरल्स मिलते हैं हमें वो ठहरे हुए पानी में मिलते हैं, रखे हुए पानी में मिलते हैं, क्योंकि हमारा स्पाइरुलिना जो होता है वो एक काई होती है, और काई भी ठहरे हुए पानी में ही जमती है, और वो एक बहुत अच्छा सोर्स है स्पाइरुलिना, बहुत ही अच्छा हमारी इम्यूनिटी बूस्टर है। तो ठहरे हुए पानी में है तो क्या हम मटके में भी तो पानी रखते हैं ना, लेकिन वो पानी एक या दो दिन का ही होता है, उसके बाद हम उसे गिरा देते हैं। और RO में भी पानी स्टोर होता है, या जार वगैरह हम जैसे लेकर आते हैं तो वो भी स्टोरेज वाटर ही होता है, ठहरा हुआ पानी ही होता है, लेकिन उनमें मिनरल्स क्यों नहीं मिलते हमें? क्योंकि जो RO का सिस्टम होता है वो जब प्यूरिफिकेशन करता है तो वो इम्प्यूरिटीज के साथ साथ मिनरल्स को भी वॉश आउट कर देता है यस RO। एग्जैक्टली मैम, वही बता रही हूँ मैं कि ये जो होता है ना, इस प्रोसेस को कम से कम मतलब बहुत साल, हजारों साल लग जाते हैं इस प्रोसेस को होने में, और नेचुरल तरीके से हमें ये मिल रहा है, जैसा आपने एंड में कवर किया कि ये नेचुरल सोलर सिस्टम से उसको एवोपोरेशन के थ्रू किया जाता है, एवोपोरेट किया जाता है, तो उसके बाद ये हमें मिलता है। तो ये एक मेन रीजन है, मेन पॉइंट है कि हम, हमारे पास और भी बहुत सारे सोर्सेज होते हैं स्टोरेज वाटर के, बट ये डिफरेंट डिफरेंट है। तो बहुत एक वंडरफुल टॉपिक आपने कवर किया, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है हम सबके लिए CMD, तो बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच इतने वंडरफुल अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी पार्टिसिपेंट्स को जिनका रेज हैंड है। थैंक यू दीपिका फॉर वंडरफुल वर्ड्स, थैंक यू सो मच। तुमने भी आज गौरव को बहुत अच्छी तरीके से सब्स्टिट्यूट कर दिया। और हाँ, मैं एक बात बताती हूँ, उस दिन मैं और गौरव बहुत अजीबोगरीब स्थिति में पहुंचे। गौरव को बहुत हाई फीवर था, बट ये डेडिकेशन कहिए कि सीखना था, तो वो फीवर में दवाई खाकर डोलो साथ में गए, और वहां पर गौरव को बीच में फिर बहुत अनईजी हुआ, तो वो नीचे थोड़ा ऑफिस में जाकर उन्होंने रेस्ट वगैरह किया, और फिर बाद में मैंने टेम्परेचर चेक किया तो उसको अगेन फीवर चढ़ चुका था। मेरे साथ ये हुआ, संडे को इमीडिएट इनके कलीग्स आ गए, अब दिमाग चकरा गया कि जाना है कैसे होगा, रात में इन्होंने बताया तो, लेकिन क्योंकि माइंडसेट था कि जाना है, कन्वर सर को लाइव सुनना है, वो खुद चल के मैनेजमेंट ब्रांच ऑफिस आई है, तो सब कुछ वैसे ही मैनेज किया, सारी प्रिपरेशन करी, और भगवान साथ देते हैं जब पहुंचाना होता है। तो जो कलीग थे वो आए अपने ड्राइवर के साथ, एग्जैक्ट 11:15 एंट्री उन्होंने किया, हस्बैंड नहाने गए हुए थे तो मेरे को ड्रॉप करने के लिए कोई नहीं था, तो वो ड्राइवर मेरे को लेके वापिस चला गया। तो जब आप कुछ करना चाहते हो तो ऐसे ऐसे भगवान फौरन मदद कर देते हैं। एग्जैक्ट 11:15 हमारे यहाँ गेस्ट ने एंट्री किया, और क्योंकि फैमिली फ्रेंड्स हैं तो उनके ड्राइवर के साथ आने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, तो मैं जल्दी से पहुंच गई अपने डेस्टिनेशन पे। तो ऐसे होता है, अदरवाइज मैं भी एक्सक्यूज कर लेती, यार मेहमान आ गए सब कुछ देखना पड़ेगा, नहीं वो मैनेज कर लिया और पहुंच भी गए, तो ऐसे हो जाता है। तो सभी को मैं बोलूंगी कि अगर वसुंधरा ब्रांच में मैनेजमेंट आ रही है तो आप कैसे घर पे बैठ सकते हो, आप निकलो। भाविक और क्या नाम है हमारे छोटे पैकेट का, ज्योति मैम, ज्योति मैम को देखो, दिल्ली से आ गए वो लोग, तो हैट्स ऑफ सभी के लिए, गौरव, भाविका, ज्योति एंड ऑल्सो मी। हमने अपना संडे दिया अपनी लर्निंग के लिए, और बहुत कुछ नया सीखा, कन्वर सर से पर्सनल मिलके इतनी खुशी हुई, सो हम्बल पर्सन ही इज, सो हम्बल एंड सो डाउन टू अर्थ, जैसे कि हमारी तीनों ही लोग हैं मैनेजमेंट के, तो रियली ग्रेट एक्सपीरियंस है ना भाविका, बहुत यस बढ़िया। यस यस, एक्सपीरियंस बहुत मेरे साथ बहुत भी हुआ एक्सपीरियंस। था सेम डे संडे को। कहते या हैं कि जब हम कुछ अच्छा करने जाते हैं ना तो बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। 2 दिन पहले ही मेरा हाथ जल गया था, मे बी अब शायद ठीक है, देखिए दिख रहा होगा ये जगह, दिख रहा है। ये ठीक हो चुका है, मतलब ये बहुत ज्यादा था, इसके ऊपर गरम गरम प्लास्टिक गिर गया था। बहुत लग रहा है मैं मेरे सॉरी, लेफ्ट साइड मैं का दीपिका, मैं अंगूठा। एक छोटा सा उपाय बतलाती हूँ।
कि आप सब लोग अपने घर में खाने का सोडा जरूर रखिए, अगर कहीं से भी जल जाता है कहीं से भी, तो एकदम पहले सरसों का तेल लगाइए और उसके ऊपर खाने का सोडा डाल दीजिए, और थोड़ी देर बाद 5-7 मतलब जलेगा एकदम, फिर थोड़ी देर बाद थोड़ा सा तेल और डालिए और खाने का सोडा उसके ऊपर डाल दीजिए। मैंने इससे तो क्या थोड़ी सी थोड़ी देर में ग्यानोडर्मा की कैप्सूल आपको लगाई ठंडक है, तो महसूस होगी। मैम बताती हैं ग्यानोडर्मा हल्की सी थोड़ी हाँ, सी वो खांसी गैनोडर्मा, कैप्सूल गैनोडर्मा लगाई इसका वंडरफुल वो है, मैं बता रही हूँ आपको, क्योंकि मैंने खुद आजमाया हुआ है थी। मैंने इसके गैनोडर्मा। ऊपर बहुत सारे ट्रीटमेंट किए हैं, मतलब एक नहीं इस जलने के ऊपर, और मतलब एक दिन पहले ही सैटरडे फ्राइडे नाइट में हुआ है ये मेरे साथ, फ्राइडे नाइट में, और उसी के साथ ही मेरे पैर का जो अंगूठा है वो पक गया था, पूरा पस भर गई है उसमें, ना मैं चल पा रही हूँ ना हाथ से कोई काम कर पा रही हूँ। संडे को मॉर्निंग में जब भाभी को जाना था उधर सेशन अटेंड करने, तो सुबह का काम तो उन्होंने कर लिया, मैंने कहा चलो खाना मैं सिंपल बना दूंगी, सिर्फ चावल या दाल चावल कुछ भी सिंपल सा खाना बन जाएगा, थोड़ा सा मेरा ठीक हो चुका था। मेड ने छुट्टी कर ली मीन्स जब होता है ना तो कुछ होता रहता है, पर यस ठीक है हो गया मैनेज, भाविका, तो अब दीपिका, तो आप ठीक उस पे सीएमडी ड्रॉप डाले, वहां पे किसी ने ये टेस्टिमोनियल दिया था, मैं आपको बता है। रही मैं हूँ। यही बताने वाली थी कि हाँ कल रात को मुझे याद आया कि वहां पे किसी एक ने बोला था उसकी अंगूठे में चोट लग गई थी और बहुत खतरनाक लगी थी और यस ब्लड निकलता जा रहा था, तो उसने कहा मैं अपना ही कुछ ट्राई करता हूँ। तो उसने 2 बूंद सीएमडी डाली, सीएमडी के ड्रॉप डाले अपने चोट पे, खून भी रुक गया और वो चोट भी मतलब काफी हद तक उसकी ठीक हो गई। तो मैंने कहा चल, मैं कल रात को लेट याद आया, मैंने कहा दीपिका को बताऊंगी कि वो भी 2 ड्रॉप डाले, पता डालो और पियो, नहीं उसमें ठीक हो जाए। भाभी भी ठीक होगा। अरे ठीक ऐसे हो हम रही हो मैम? ठीक टेस्टिमोनियल्स हैं, नेक्स्ट सेशन में आप लोग रेडी रहिएगा, बहुत अच्छे अच्छे अमेजिंग टेस्टिमोनियल, ट्रू टेस्टिमोनियल हम आपसे शेयर करेंगे, बहुत अमेजिंग। चलिए ओवर टू दीपिका एंड पार्टिसिपेंट्स। यस भाभी का मैम, मैं इनवाइट करती हूँ पार्टिसिपेंट्स को। मैं यही कहूंगी कि सबसे अच्छा आज फर्स्ट टाइम मंजुषा मैम आई थी, बहुत अच्छे से उन्होंने कोशिश करी और बहुत अच्छा सा उन्होंने ट्राई करके, मतलब कार में बैठे बैठे भी उन्होंने होस्टिंग कर ली, ये तो बहुत अमेजिंग है कि वो बोलना बोला उन्होंने, बहुत अच्छा बोला, स्टार्टिंग ही बहुत अच्छी है, तो आगे बहुत अच्छा ही करेंगे वो तो। और वंडरफुल मैम, मतलब जो हमने साथ में सुना और मेरे भी कुछ जो पॉइंट थे काफी हद तक तो मैंने नोट डाउन कर लिया था, बट कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स थे जो मैंने नहीं लिखे, वो आपने आज रिमाइंड करवा दिए जो मेरे मिस हो गए। तो बहुत मतलब ऐसे ही होता है ना कि अगर हम दोबारा रिवीजन करते हैं ना, तो वो दोबारा कुछ कुछ बातें जो रह जाती है ना, वो हमें और हेल्प करती है। तो अमेजिंग वहाँ का सेशन था, हम इतने एक्साइटेड थे, जैसे बताया उसने कि सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए थे मेरे साथ कि जब एक को ही करना है, दीपिका ना हाथ से कुछ कर पा रही थी ना चल पा रही थी, तो मैं सोच रही थी कैसे करूं कैसे करूं, बट मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, मैंने सब कुछ मैनेज करने की कोशिश तो अपनी तरफ से करी कि अपना सुबह का अपना पूरा करके जाती हूँ, बाकी ज्यादा बीच में नहीं होगा, बट मेरे पास एंड में फोन आ गया था रास्ते में ही कि मेड नहीं आ रही, चलो वो चीजें मैनेज हो गई, बट जो मतलब एक्साइटमेंट हाई लेवल थी कि कन्वर भी सर से मिलना है और सीएमडी की ट्रेनिंग लेनी, सबसे ज्यादा वो थी हमारे। और नीरू भी आना चाहती थी, वो भी किसी प्रॉब्लम की वजह से या किसी प्रोसेस नहीं आ पाई, बट हमने मिस किया कि जो नहीं आए उन्होंने बहुत कुछ चीजें मिस करी, होप आगे और ये ट्रेनिंग्स हो जो सबको बेनिफिट मिले। और कर्मवीर सर ने भी इतनी इजी तरीके से हमें छोटी छोटी चीजें समझाई, और उन्हें बिजनेस के तौर पे भी हमने बहुत सारी चीजें उन्होंने हमें समझाई कि मतलब एक बात मुझे उनकी इतनी अच्छी लगी ना, मैं एक शेयर करूंगी, सर ने बोली थी कर्मवीर सर ने कि हमारे जो इंडिया में जो स्पोर्ट्स जो खेलते हैं ना, तो वो कबड्डी होना चाहिए, क्योंकि हमारे बिजनेस में लोग क्या करते हैं कबड्डी कबड्डी करते हैं और पूरे साल क्या पूरे महीने करते हैं 2001 2001 एक पे छू के वापिस आ जाते हैं और 3 दिन बचते हैं तो ऑर्डर नहीं डालते, पूरे महीने 2000 2001 करके कबड्डी कबड्डी करके एक पे छू के वापिस आ जाते हैं कि आगे वो ट्राई नहीं करते। तो ये चीज बहुत अच्छा लगी उनकी सुनकर मुझे, मतलब बातें बहुत सारी थी उन्होंने सिखाई कि किस तरीके से हम करें, और रिजल्ट उन्होंने बोला कि आप हर सीएनटी में जाइए, क्योंकि हमने जो सोचकर सीएमडी लॉन्च किया था ना, हमें नहीं पता लोग पता नहीं क्या क्या उसका एक्सपेरिमेंट करेंगे, क्या क्या रिजल्ट आएंगे, वो हम ऐसे नहीं बोल सकते, और बट लोगों की जो एक्सपीरियंस है ना, वो रोज हर सीएनटी में जाओ और लोगों को बताओ, लोगों के पास भी बेनिफिट पहुंचे। तो जब हम कल गए तो ऐसे ऐसे रिजल्ट लोगों ने बताया ना, तो सर भी सुन रहे थे कड़वी सर की ये रिजल्ट भी हो सकते हैं सीएमडी से,
मतलब अमेजिंग, हम सुन के हैरान थे। कहते हैं ना कि बच्चों के लिए डोजेस इतनी ही लिखी है या 18 साल से ऊपर दे सकते हैं, बट उन्होंने कहा नहीं आप दे सकते हो, मैं खुद अपने 5 साल के बच्चे को देता हूँ बट लिमिटेड ड्रॉप्स दीजिए। हम डरते बच्चों को देने के लिए, तो आप 2 ड्रॉप से शुरू करिए ना। बट हम वैसे हम कंपनी नहीं बोल सकते, बट मैंने कहा चलो हमें अपने बच्चे, तो फिर एक ट्रेनर जो थे जो सर आए थे सिद्धार्थ आई थिंक, कौन से सर थे, गौतम, गौतम सर, गौतम जी, तो उनसे मैं, तो उन्होंने मुझे धीरे से इशारा किया हाँ 5 ड्रॉप दे सकते हो, वो मुझे धीरे से बोलते 5 ड्रॉप दे सकते हो। तो मतलब वही मैंने कहा चलो मेरा 13 ईयर्स का छोटा बेटा है उससे स्टार्टिंग करूँ, तो कह 5 ड्रॉप दे सकते हो, मतलब कंपनी वैसे अलाउ नहीं करेगी, बट हम जैसे सप्लीमेंट कहते हैं ना हम फिर भी तो देते ही है ना छोटे बच्चों को भी किसी भी तरीके से, तो डोजेस की कोई चिंता नहीं। और हमें 21 ड्रॉप बोली गई है बट आप 21 से भी ज्यादा ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। कहते 1 लीटर में एक बॉटल की में आप 60 ड्रॉप डालो, बट 1 गिलास में सर भी 10 ड्रॉप डाल के पी सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है आप कितना ले सकते हो। मतलब बहुत कुछ है मैम, तो मैं नहीं बोलूंगी ज्यादा, थैंक यू सो मच, वंडरफुल, टाइम शॉर्ट है हमारे पास और तेज हैंड है। गुड मॉर्निंग सूरी मैम, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत अमेजिंग सेशन नीतू, बहुत बढ़िया तुमने बताया, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया और मैंने तो फटाफट अपनी बॉटल उठा के देखी। तो मैं ये सबको ये अवेयर करना चाहूंगी कि उसकी ना एक्सपायरी डेट भी है, तो मतलब संभाल के मत रखिए, उसको यूज करिए, क्योंकि मतलब पता चले आपने संभाल के, जैसे जनरली लेडीज की आदत होती है संभाल लो संभाल लो, पता चले उसकी एक्सपायरी आ गई तो आपको बहुत बुरा लगेगा उस टाइम, बहुत बुरा लगेगा। तो इसलिए जो सेशन है नीतू का, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स बताए, बहुत लॉजिकल बताए, बहुत अच्छे ढंग से बताए तुमने, और ये वाला रिकॉर्ड तो हुआ है, मैंने सेशन चेक कर लिया, रिकॉर्ड हुआ है ये, प्लीज 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 इसको शेयर भी कर देना इस मतलब सेशन को, क्योंकि कई लोगों को नहीं मिलता, कई आ जाता है मैम एक या दो दिन के बाद अल्फा ऐप में आ जाता है, नहीं अल्फा ऐप में आ जाता है लेकिन कहाँ ढूंढो, कई बार सबको नहीं पता चलता, सबको नहीं पता चलता। डेली सेशन रिकॉर्डिंग में, डेली सेशन रिकॉर्डिंग करके आता है उसमें लिखा हुआ, तो उसमें आपको मिल जाएगा। इसको चेक करना, इसको चेक करना कि 2-3 दिन बाद ये आ जाए, मतलब कई बार होता ना कई सेशन नहीं आते, मैंने वहां चेक कर दिया, वो कोई बाई चांस है कोई रिकॉर्ड ना हुआ हुआ हो या कोई और बात हो, लेकिन ये जो रिकॉर्डिंग वाले होते हैं वो आ जाते हैं अपने आप है, कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम है वहाँ। हाँ जी हाँ जी, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे रिकॉर्ड होके 1-2 दिन में आ जाते हैं। अच्छा तब तो ठीक है, अगर ऑटोमेटिक डायरेक्टली अल्फा ऐप में ही रिकॉर्ड हो रहा है, ये मेरे पास नहीं आएगी वीडियो, ये डायरेक्ट अल्फा ऐप में ही जाएगी रिकॉर्डिंग। चलो वेरी गुड दीपिका, इस इन्फॉर्मेशन के लिए भी, और बहुत वंडरफुल प्रोडक्ट है जैसे आज नीतू के सेशन से पता चला, लेकिन उसको एक्सपायर मत होने दीजिए, ये मेरी इल्तिजा है सबसे, कि मतलब प्रोडक्ट ले लिया लेकिन संभाल के रखा 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 कि हाँ हमने लिया हुआ है, हाँ हमने लिया हुआ है, ये बताने के लिए कई लोग ये बहुत करते हैं हर सप्लीमेंट के साथ, कि बार बार आप पूछें कि आप ये यूज करिए, नहीं नहीं हमारे पास है हमारे पास है, तो वो कई सप्लीमेंट्स की तो 2-2 साल एज होती है, इसकी इतनी नहीं है जो मैंने अभी चेक, इतनी उसकी एज नहीं है, तो इसलिए ध्यान रखो। थैंक यू सूरी मैम, थैंक यू सो मच सूरी मैम, यस सुनीता मैम, मैम आपका म्यूट है। गुड मॉर्निंग नीतू, गुड मॉर्निंग भाविका, बहुत बढ़िया, टाइम पूरा हो चुका है, थोड़ा सा जल्दी, मैं तो बस यही बोलूंगी कि वंडरफुल सेशन था, और जैसे अभी सूरी मैम कह रहे थे कि यूज लोग, मैं तो एक चीज जानती हूँ कि ये मेरी कैल्शियम डिब्बी खाली हो गई मेरी, ये मेरे हेयर एंड नेल कैप्सूल डिब्बी खाली हो गई मेरी, दूसरी शुरू हो गई है साथ साथ ही, और हम लोगों की तो कोशिश ये है कि यूज करते रहें। प्लस आज जैसे इसके बारे में आप बता रहे थे, मेरा यहाँ एक ग्रुप है मेरा अपनी सोसाइटी का, तो उसमें कल से एक बहुत बहस चल रही है कि पानी बहुत गंदा आ रहा है, पानी की क्यों नहीं वो कर रहे हैं पानी, तो उसमें कई लोग अपने अपने सजेशन डाल रहे हैं कि पानी का जो पीएच लेवल है 8 से 9 होना चाहिए, टीडीएस उसका 300 से 600 मिनिमम होना चाहिए तभी पानी पियो, तो अब मैं सोच रही थी कि आज मैं मैसेज दूं
कि कुछ भी आपको दिक्कत आ रही है तो सीएमडी है डालिए, उसमें पीएच लेवल भी बढ़ेगा, टीटीएस भी बढ़ जाएगा और आपका जो अल्कलाइन है पानी वो भी हो जाएगा। हालांकि मेरे यहाँ बहुत लोग हैं जो ये कर रहे हैं वेस्टिज का, बहुत काफी लोग कर रहे हैं, पर एक मैसेज मैं आज जरूर डालूंगी कि जिन लोगों को पानी का प्रॉब्लम आ रही है वो कम से कम इसको यूज करिए, तो देखिए क्या रिस्पॉन्स आता है उनका। डाल के तो जरूर देखूंगी मैसेज, कोई थम देगा, कोई ऐसे करेगा, कुछ कुछ भी करेगा, पर करेगा जरूर, क्योंकि हमें तो बहुत है। राइट मैम, राइट, कम से कम 200 लोग हैं उसमें ग्रुप में। नहीं, पर लोगों को, लोग अवेयर भी तो होंगे कि आपके पास सीएमडी है। हाँ, तो अवेयर करना चाहती हूँ, तो मैं सोच रही थी कि मैं एक अच्छा सा मैसेज बना के डालू उनके लिए। तो थैंक यू सो मच नीतू, वंडरफुल। सुनीता, तुम्हारे फेस के आगे ना कुछ येलो सा ग्लेयर सी आ रही है। हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, फेस नहीं दिख रहा था, फेस नहीं दिख रहा। वही है कि अभी सिंपल सी बात है कि पहले यूज करेंगे तो किसी को बोलेंगे, तो मैं तो यूज कर रही हूँ, नो डाउट। तो अभी मेरी बॉटल खत्म नहीं हुई। थैंक यू सुनीता मैम, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी सोच रखी, बहुत अच्छी पॉइंट ये भी आपने बताया कि अगर कभी पानी गंदा हो तो हम अपने नेबर में भी इस चीज की रिकमेंडेशन कर सकते हैं, तो बहुत वंडरफुल पॉइंट था, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग लता मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दीपिका जी, ग्रेट ग्रेट, आपने निभाया पूरा सेशन को ढंग से। मंजूषा जी के लिए वही गाड़ी में भी ट्रेवलिंग कर रही हैं और वो कर रही हैं होस्टिंग, बहुत बढ़िया। और आज की नीतू जी ने जो ट्रेनिंग दी बहुत अमेजिंग, बहुत बढ़िया। मैं देख रही थी एक एक पॉइंट, मतलब कल उन्होंने सेशन अटेंड किया और पूरा आज डिटेल पूरी दे दी। और मैं यही कहूंगी कि कहीं भी जाएं पर्स में जरूर रखें सीएमडी, और पानी जब भी कोई लाए तो अपने मतलब उनके सामने प्रूफ डालनी जरूर है, तो पूछे ये क्या है, वो पूछे ये क्या है, और आपको मौका मिल गया बताने का। और ये काम करोगे तो सी से मतलब चेक, और एम से मंथली, और डी से डबल चेक, मंथली डबल, अगर जो चाहते हो तो पर्स में डालो और ये काम कर लो। और सबके सामने पीना जरूर है हमें, और मीटिंग में भी जरूर पीना है, बस ये काम कर लिया, यही तो चाहिए ना। यस, नाम एम चेक डबल फोरेंट्री, बस यही है, सब कुछ मिल जाएगा, ये कर लिया तो आपने, ग्रेट सेशन, सुपर। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू मैम। यस भाविका मैम, मैं कहती हूँ नीरू दी है तो नीरू दी आप बोल सकते हो, ऐसी बात नहीं है, आपको जो शेयर करना है आप कर सकते हो। और तब तक एक मैं लाइन में एक और बात बोलूंगी कि जैसे अभी बोला था ना कि उठा लेक में जैसे पानी खड़ा होता है, तो अभी जो हम सुनकर आए ना, तो जस्ट उसके बाद में एक प्लान दिखाने ही गई गाजियाबाद, हमें आधा घंटा लग गया उनका घर ढूंढने में, ज्यादा दूर नहीं था फिर भी। तो वहां पे सबसे पहले जैसे लता मैम आपने बोला ना कि मैंने अपना सीएमडी निकाला, बट तब मैंने ये वाली नई वाली बॉटल ले गई थी, पुरानी वाली ले गई तो वो बहुत सारा प्रिंट उतरा हुआ था, तो बहुत अजीब लगा वो मुझे लेकर जाने में। तो उन्होंने ना नींबू पानी कुछ बना के दे रखा था उन्होंने, तो मैंने उसमें कुछ ड्रॉप डाल के पी रही थी, तो कह रही क्या पी रहे हो आप, तो दवाई है आपकी, मैंने कहा नहीं तो मैंने थोड़ा बहुत बताया उनको, तो एक हमें चांस मिल गया बताने का। और क्यों मैंने उसमें जूस में डाला, क्योंकि अभी सेशन में ही मैं सुनकर आई थी, तो उन्होंने बोला दूध चाय के अलावा आप किसी भी लिक्विड में डाल के पी सकते हो, कुछ भी हो उसमें आप सीएमडी डाल के पी सकते हो। तो जस्ट मैंने उसी दिन एक्सपीरियंस कर लिया कि उन्होंने नींबू पानी बना के मैंने उस पर सीएमडी डाल के पी लिया, तो बहुत अच्छा लगा मुझे, तो थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू सो मच। यस नीरू दीदी, हेलो, मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग लता जी, नीतू, भाविका, दीपिका, ऑल द होस्ट, एवरीवन, गुड मॉर्निंग दी, वंडरफुल सेशन एज यूजुअल। नीतू का सेशन हमेशा बहुत अमेजिंगली नॉलेजेबल होता है, सो आई रियली एंजॉयड इट। और आपके पॉइंट्स, यस भाविका इज राइट, आई मिस्ड इट, मेरा पूरा प्लान था लेकिन मैंने सेशन मिस किया, और पर उसकी काफी हद तक कसर आप दोनों ने पूरी करी, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड I will not take too much time. Everyone's time is precious. ठीक है, thank you so much. हाँ, एक चीज मैं कहना चाहूंगी दीपिका, आप जो कह रहे थे ना रिकॉर्डिंग डलती है, हमेशा नहीं डलती है। गौरव का कहना है कि अगर
डिमांड हो तो वो वाला सेशन मैं डाल देता हूँ अल्फाब पे, बाकी नहीं भी डालता कभी भी। नहीं तो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, कर देंगे एक दो जने जैसे सूरी तो अगर गौरव को आप रिकॉर्डिंग और अगर गौरव को या अगर आप गौरव को रिक्वेस्ट कर देंगे तो फिर वो डाल देंगे ठीक है। कोई भी ये सेशन सबको अवेलेबल कराया जाएगा, डोंट वरी। और इट इज एन ऑनर कि मेरे सेशन की रिक्वायरमेंट है तो डेफिनेटली मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि इसका वीडियो हम ग्रुप में शेयर करें। इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर एवरीवन और सीएमडी इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट। और आज बहुत अच्छा एक वो पोस्टर डाला है प्रवीण सर ने, देखा होगा कि सीएमडी 2000 की परचेज पे सीएमडी अगर उसमें से एक लो तो आमला फ्री, तो प्लीज गो फॉर इट। इट्स वेरी गुड। उसमें मैं नहीं तो मैम दो सीएमडी लेने होंगे ना? हाँ दो सीएमडी ले लो। यस दो सीएमडी आराम से, और बस कुछ और डाल दो तो 920 920 और फिर 2000 की हो जाएगी पूरी। तो देखो मैनेजमेंट का हमारा कनेक्शन, हम सीएमडी का सेशन कर रहे हैं और मैनेजमेंट सीएमडी के ऊपर। मैं भी इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि आई वाज अमेज्ड कि क्या कनेक्शन है, क्या कनेक्शन। हाँ अच्छा इसमें मिनरल्स कितने होते हैं क्योंकि लिखे हुए नहीं, सीएमडी में बैक फ्लैप पे सारे मिनरल्स नहीं मेंशनड है जी, सो कई बार एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है। हाँ, मैम उसका रीजन है कि 84 मिनरल्स की बहुत छोटी छोटी इंफॉर्मेशन इतनी छोटी सी बॉटल पे देना इम्पॉसिबल है, तो इसीलिए हाँ इसीलिए सर्टिफिकेशन प्रोवाइडेड है। अगर किसी को चाहिए तो वो ट्रेनर से हम ले सकते हैं, लेकिन ये गारंटेड 84 ह्यूमन ग्रेड मिनरल्स इसमें है। कितने सॉरी 84 ओके थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू दीपिका। मैंने सबका माइक अनम्यूट कर दिया। नीतू मैम कुछ कहना चाहते हैं बोल सकते हैं, एक मिनट का टाइम है सबके पास। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। सिर्फ थैंक यू बोलना चाहते, थैंक यू इतने अच्छे सेशन के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।